नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो प्रायः ये हमसे पूछते हैं कि सर, एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जीवन में कभी किसी से नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा। मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि हेक्टेयर को बीघा या बिस्सा में कैसे बदलें, यानी खतौनी आप कैसे देखें। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी खतौनी में लिखा है 0.2280 और आगे लिखा गया है हेक्टेयर, तो भारत की किसी भी राज्य की, किसी भी ज़िले की, किसी भी गांव की कोई भी खतौनी हो, उसमें जो रकबा होता है वो हेक्टेयर में ही लिखा जाता है। अब हेक्टेयर से लोग उसको एकड़ में बदलते हैं, या एयर में, या डिसमिल में, या बीघा में, बिस्सा में, कट्ठा में, मरला में, कनाल में, चाहे जिसमें बदलें, लेकिन वो हेक्टेयर में ही लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? इसका इतिहास है, इसका रीजन बहुत बड़ा है। तो पहले हम रीजन समझ लेते हैं, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि बीघा बिस्सा आखिर है क्या। बीघा बिस्सा दरअसल लोकल नाप होती है, जिससे गवर्नमेंट नाप नहीं कराती है, हम लोग अपने अपने हिसाब से नापते हैं उसको। इसीलिए एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है ये कहना मुश्किल हो जाता है, अपने क्षेत्र के हिसाब से होता है। तो पहले समझते हैं कि हेक्टेयर क्यों लिखा जाता है और पैमाना क्यों नहीं लिखा गया। देखिए, भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर जो लोग नाप जोक करते थे वो हाथ से करते थे। कहते थे कितना हाथ लंबी है, कितना हाथ चौड़ी है, या कितना बीता लंबी है, या कितना अंगुल है ना, तो अंगुल से, हाथ से, बीते से, फलांग से, इस तरह नाप करते थे लोग। और फलांग से ही अपना खेत नाप लेते थे कि इतना लंबा, मतलब इतना फलांग लंबा, इतना फलांग चौड़ा होगा, तो ये इतना बीघा हो जाएगा या इतना कट्ठा हो जाएगा, इस तरह से। अंग्रेज़ों के आने के बाद में यहाँ पे मीटर, फुट, ये सब, गज, ये सब की जब नाप जोक होने लगी, तो ये देखा गया कि मीटर से, फुट से, गज से जब हम नापते हैं तो एकदम करेक्ट आता है, जबकि फलांग से नापते हैं तो कहीं की ज़मीन ज़्यादा हो जाती है, कहीं की बढ़ जाती है, क्योंकि प्रायः जो व्यक्ति लंबा होगा उसका फलांग बड़ा होगा, उसका हाथ बड़ा होगा, उसका बित्ता बड़ा होगा, है ना, तो वो जो ज़मीन नापेगा तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन वही दूसरा छोटा व्यक्ति हो, वो जब नापेगा तो वो ज़मीन छोटी हो जाएगी। तो अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक ए क्षेत्र है और ये बी क्षेत्र है, मान लीजिए ज़िला ही है, ये ए ज़िला है और ये बी ज़िला है। अब इधर की जो नाप होती थी अंग्रेज़ों के आने के पहले, इधर मान लीजिए कि व्यक्ति जो हैं वो बहुत एक तरह से बड़े बड़े होते थे, मान लीजिए मैदानी क्षेत्र है और इधर पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे व्यक्ति बड़े बड़े हैं, उनके हाथ जाहिर सी बात है कुछ लंबे होंगे। तो मान लीजिए कि उनका जो हाथ है वो 18 इंच का है, मान लीजिए एक हाथ, तो 18 इंच का अगर एक हाथ है, और ये लोग क्या काम किए कि खेत को हाथ से तो नाप नहीं पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, एक लट्ठा ले लिया, यानी लग्गी जिसको बोलते हैं, वो 5.5 हाथ उस लग्गी को नाप लिया। कितना नाप लिया? 5.5 हाथ, समझिएगा, 5.5 हाथ की एक लग्गी ले ली। अब चूँकि एक हाथ 18 इंच का है, तो 18 × 5 = 90 और 9 = 99, इसका मतलब 99 इंच की उनकी लग्गी हो गई, लग्गी या लट्ठा। तो लग्गी या लट्ठा 5.5 हाथ या फिर 99 इंच, ये कौन, जिनके हाथ 18 इंच के थे। अब जब 99 इंच की लग्गी हो गई, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हम कि 99 इंच की लग्गी से खेत को नापते हैं, और अगर 20 लग्गी ऐसे हो गई लंबी और 20 लग्गी चौड़ी, यानी चारों दिशा की जो लंबाई है उसकी 20-20 हो, 20 ऐसे, 20 ऐसे, 20 ऐसे, 20 ऐसे, एकदम सीधी सीधी आप हो, 20-20 लग्गी अगर हो, तो इसको हम एक बीघा मान लेंगे। ये ऐसा इस क्षेत्र के लोगों का, यानी जो मान लीजिए कि एक ज़िले में लोग रहते थे, इस यहाँ पर ये समझौता हो गया कि 20x20 का एक बीघा होगा, यानी 5.5 हाथ की लग्गी से। अब वहीं पे दूसरी ओर मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है या नहीं पहाड़ी क्षेत्र है, तब भी यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो हाथ था लोगों का वो मान लीजिए 16 इंच का निकला औसतन, तो क्या काम किया गया कि इधर 5 हाथ की ही लग्गी अगर बना दी गई, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम समझा रहा हूँ, मान लीजिए इधर की लग्गी
चार हाथ की ही है, और इधर के हाथ भी मान लीजिए छोटे ही हैं, मान लीजिए 16 इंच के ही हाथ हैं, तो 16 चौको 64 इंच हो गया, यानी इधर 64 इंच की लग्गी है, इधर 99 इंच की लग्गी है। तो लग्गी जाहिर सी बात है कि इधर की लग्गी बहुत छोटी है, इधर की लग्गी बहुत बड़ी है। तो मान लीजिए कि अगर इधर के भी लोगों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं 20 लग्गी इधर नापते हैं और 20 इधर, 20 इधर और 20 इधर, चारों ओर से 20-20 नापते हैं, तो हमारा ये जो होगा एक बीघा होगा। मान लीजिए इन्होंने बीघे का नाम चेंज नहीं किया, बीघा ही रख दिया। अब इधर 20x20, इधर भी 20x20, लेकिन इधर की लग्गी 99 इंच की है और इधर की लग्गी 64 इंच की है, तो जाहिर सी बात है कि इधर का बीघा इस बीघे से बहुत छोटा होगा, है ना, काफ़ी छोटा होगा। अब समस्या कोई नहीं है यहाँ पे, समस्या जब तक इधर के लोग मान लीजिए XYZ और इधर के लोग CDE XYZ कुछ भी, जब इधर के लोग यानी ए जिले के लोग अपने यहाँ खेत का क्रय विक्रय करेंगे, नाप जोख करेंगे, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये कहेंगे 20 लाख का बीघा है तो ये बीघा 20x20 ही होगा, 40 लाख देंगे 2 बीघा मिलेगा, 10 लाख देंगे आधा बीघा मिलेगा, इनको यहाँ कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और इनको भी यहाँ कोई समस्या नहीं है। ये भी अगर 20 लाख का बीघा दे रहे हैं तो ये बीघा सबका इतना ही बड़ा रहेगा, 20x20 का और 64 इंच वाले का, कोई समस्या नहीं है, न इनको कोई समस्या है न इनको कोई समस्या है। समस्या यहाँ पे तब होगी जब इधर के लोग उधर जाएंगे खरीदने और उधर के लोग इधर आएंगे। मान लीजिए ये एक्स नाम का व्यक्ति अगर सी से कोई ज़मीन खरीदता है और वो कहता है हमारे यहाँ 20 लाख के बीघे की ज़मीन है, हमको एक बीघा आप दे दीजिए 20 लाख का। तो जब अगर ये 20 लाख का इनको एक बीघा दे देंगे तो जब ये उधर जाएंगे तो ये देखेंगे कि अरे इधर तो ये जो खेत है एक बीघा बहुत छोटा है, हमारे यहाँ का बीघा बहुत बड़ा है। जबकि ये कहेंगे कि नहीं एक बीघा ही है, 20x20 ही नापे हैं, ये भी कहेंगे 20x20 ही नापे हैं, लेकिन इधर का नाप बड़ा है इधर का नाप छोटा है, तो इनको घाटा लग गया उधर जाने पे, क्योंकि 20 लाख में ही इधर ज़्यादा खेत मिलता, एक बीघा ही मिलता लेकिन उससे ज़्यादा रहता। अब इधर के लोग अगर इधर आएंगे खरीदने तो ये देखेंगे कि इधर के खेत जो बड़े हैं तो अगर वही उसी मूल्य में इधर मिल रहा है तो यहाँ का खेत बहुत छोटा है और यहाँ का खेत बहुत बड़ा है। तो इधर के लोग जब इधर खरीदेंगे तो फायदा होगा और इधर के लोग इधर जब खरीदेंगे तो घाटा होगा, अगर दाम सेम रहे तब। अब इससे समस्या बहुत बढ़ गई। सबसे बड़ी समस्या कि पढ़े लिखे लोग कम हैं, वो कैलकुलेट कैसे करें, है ना, हिसाब कैसे करें भाई, हिसाब वो भी गणित का हिसाब है तो सब तो कर नहीं पाएंगे, आम आदमी तो कर नहीं पाएंगे, जो अधिकारी होंगे जैसे लेखपाल पटवारी वो सब आएंगे तो वो हिसाब करेंगे और इसमें काफ़ी संभावना है कि वो सही ना करें क्योंकि उनका सर्वे करने वाला कोई नहीं है। अब इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर से बड़ी समस्या होने लगी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने कहा कि देखिए इस समस्या से मुक्ति तभी मिलेगी जब न इसको सरकारी नाप माना जाए न इसको सरकारी नाप माना जाए। सरकारी नाप माना जाएगा हेक्टेयर को, और ये जो हेक्टेयर है इसकी नाप पूरे भारत में समान रहेगी। आप चाहे आसाम में हों, चाहे गुजरात में हों, चाहे इलाहाबाद में हों, चाहे मुंबई में हों, पंजाब में हों, कहीं भी हों, सब की खतौनी में खेत हेक्टेयर में नाप करके लिखा जाएगा। हेक्टेयर का मतलब मीटर से नाप करके लिखा जाएगा। हाँ, उसके बाद वो अपने यहाँ लोकल में जैसे मर्जी वैसे करें, लेकिन हमारे यहाँ जो विवाद होगा वो विवाद बीघे बिस्से में ना हो करके हेक्टेयर में होगा, हम हेक्टेयर में हिसाब करेंगे। तो इसीलिए SI मानक हो गया हेक्टेयर 1960 में, यानी ज़मीन नापने का SI मापन क्या होता है, हेक्टेयर, और एक हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर, इसीलिए खतौनी में हेक्टेयर लिखा रहता है। अब हमें ये समझना है कि हमारी खतौनी में जो इधर के लोग हैं उनकी भी खतौनी में हेक्टेयर में लिखा है और इनकी भी खतौनी में हेक्टेयर में लिखा है, तो ये अपने हिसाब से बीघे में कैसे बदलें और ये अपने हिसाब से बीघे में कैसे बदलें। इधर से उधर या उधर से इधर जब जाएंगे तो बीघा छोड़ें, डायरेक्ट हेक्टेयर की बात करें, हेक्टेयर से ही संभव है। अब इसको मिटा करके अब हम ये बताते हैं कि आप कैसे इसको बीघे या बिस्से में अपने अपने हिसाब से बदलेंगे। तो यहाँ मैं 2 जिलों की नाप करके दिखाता हूँ, यानी कि 2 उदाहरण के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझा पाऊँगा। चलिए इधर लिखते हैं प्रयागराज। अब चूँकि हम प्रयागराज के ही हैं इसलिए प्रयागराज के बारे में हमको जानकारी है।
प्रयागराज के ही बगल में है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो मापन है वो उसको यूपी में स्टैंडर्ड मापन माना जाता है एक तरह से, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह हो, लेकिन प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, इसका मतलब 75 प्रकार के बीघे बिस्से हैं। बिहार में आप जाएंगे वहाँ भी कई ज़िले, एमपी में कई ज़िले, हर ज़िलों का लगभग अलग अलग मापन होता है। तो ये अपने अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन आप इन दोनों उदाहरण को देख करके आप समझ जाएंगे। इसके पहले आपको एक छोटी सी सूचना कि हम अमीन का कोर्स, ये अमीन का ही कोर्स है और ये 5वां दिन का वीडियो है। 4 वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है न्यू देहाती ज्ञान, तो आप यूट्यूब में सर्च करिए न्यू देहाती ज्ञान, इस तरह का लोगो मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको केवल अमीन का ही कोर्स मिलेगा, अमीन के अलावा कोई दूसरी पढ़ाई नहीं होगी, अमीन लेखपाल पटवारी जो भी आप कहें। इसके अलावा एक हमारा प्ले स्टोर पर ऐप्स है जिसका नाम है न्यू लाइट विथ दीपक, तो आप अपने मोबाइल के में जो प्ले स्टोर होता है वहाँ पर सर्च करिएगा न्यू लाइट विथ दीपक। इस ऐप्स को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं है। वहाँ भी जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो वहाँ पर मिलेगा और पूरा फ्री रहेगा। तो YouTube पे पढ़िए न्यू देहाती ज्ञान पे, या फिर ऐप्स में पढ़िए, दोनों जगह बिल्कुल फ्री है। अब देखिए प्रयागराज का जो एक बीघा है वो है 2280 वर्ग मीटर का। पहले ये 2530 वर्ग मीटर का हुआ करता था, अब छोटा कर दिया गया है इसको, 2280 कर दिया गया है। वहीं पर जो प्रतापगढ़ का बीघा है वो है 2530 वर्ग मीटर का। आप समझिए प्रयागराज के भी खतौनी में हेक्टेयर में ज़मीन, प्रतापगढ़ की भी खतौनी में हेक्टेयर में ज़मीन, और मान लीजिए कि दोनों की खतौनी में यही लिखा है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति प्रयागराज का है और एक व्यक्ति प्रतापगढ़ का है। संयोग मान लीजिए कि दोनों की खतौनी में यही लिखा है 0.2280 हेक्टेयर। अब ये दोनों पता करना चाहते हैं कि कितना बीघा है, तो क्या करेंगे, ये इधर वाले 2280 में भाग करेंगे 2280 का, इधर वाले भाग करेंगे 2280 में 2530 का। 2280 का भाग करेंगे, 2530 का भाग करेंगे। अब इसके पहले समझिए कि यहाँ 2280 और 2280 आया कैसे। अभी हम कुछ देर पहले बताए कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर। ये 10,000 वर्ग मीटर कैसे आया था, तो जैसे अभी हम आपको समझाए थे कि इधर लग्गी से नाप रहे थे 20x20 का एक बीघा, इधर भी 20x20 का एक बीघा, इधर 99 इंच की लग्गी और इधर 64 इंच की लग्गी है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मीटर से जब खेत नापना शुरू किया तो उसने बताया कि आप जो है अगर 100 मीटर इधर नाप देंगे, 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर, यानी चारों मेड़ अगर 100-100 मीटर के हैं तो वो पूरा खेत एक हेक्टेयर हो जाएगा, ये बताया। एक हेक्टेयर मतलब 100 में 100 का गुणा करने पे 10,000 वर्ग मीटर आया, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो इसलिए एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो जब भी जो खतौनी में हेक्टेयर में खेत लिखा हुआ है नाप, उसमें हम क्या करेंगे 10,000 का गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 2280 वर्ग मीटर। आपकी खतौनी में जैसा भी लिखा है, जैसे आपकी खतौनी में लिखा है 2.5 हेक्टेयर ऐसे लिखा है ना, तो आप क्या करिए 2.5 में सबसे पहले 10,000 का गुणा कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 25,000, ये क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। यानी जैसे भी खतौनी में लिखा है आप बिल्कुल वैसे ही पॉइंट सहित कैलकुलेटर में डालिए और उसमें फिर 10,000 का गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वो बन जाएगा वर्ग मीटर। तो यहाँ पर जब 2280 में पॉइंट के साथ 2280 में गुणा किया गया 10,000 का, तो आया 2280 वर्ग मीटर। इसका मतलब हुआ कि 2280 वर्ग मीटर जो ज़मीन है वो इधर भी है और उधर भी, ज़मीन न छोटी है और न ही ज़मीन बड़ी है, बिल्कुल सेम है।
2280 में संयोग से 2280 वर्ग मीटर का है भी, तो भाग करेंगे तो एक आएगा और ये क्या बन जाएगा, बीघा। यानी प्रयागराज में ये एक जमीन कितनी है, एक बीघा। अब मान लो इधर भाग किया गया 2280 में 2530 का, तो इधर आ गया 0.9011 बीघा, 0.9011 बीघा। इधर एकदम स्पष्ट है, इधर क्या स्पष्ट है कि एक बीघा है, इधर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितना बीघा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि एक बीघा से कम है, क्योंकि दशमलव के पहले अगर एक आएगा तब एक होगा, दशमलव के पहले अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब जीरो बीघा है, एक बीघा भी नहीं है, लेकिन पॉइंट में कुछ है, इसका मतलब अभी उसको हम बिस्से में कन्वर्ट करेंगे। तो कहने का मतलब दशमलव के पहले अगर जीरो आ गया तो ज़मीन वो एक बीघा से कम है, दशमलव के पहले अगर कम से कम एक आ गया तो इसका मतलब कि वो एक बीघा से ज़्यादा है, क्योंकि पॉइंट के बाद भी कुछ है, तो एक बीघा ये प्लस पॉइंट वाला कुछ और, लेकिन इधर जीरो है तो बीघा नहीं है, हाँ पॉइंट वाला बीघा है, उसको हम बिस्सा में बदलेंगे। क्या करेंगे, इधर कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर समझिए 0.9011 है, यानी दशमलव के पहले जो लिखा है उसको भूल जाइए, आगे जो लिखा है उसमें आप 20 का गुणा कर दीजिए, तो ये आएगा 18.02, और ये क्या बन जाएगा, अब बिस्सा बन जाएगा। बिस्सा क्यों बन जाएगा, क्योंकि एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं, तो जब भी हम बीघे को बिस्से में बदलेंगे तो 20 का गुणा करेंगे, और बिस्से में किसको बदलेंगे, पॉइंट के बाद वाले को, पॉइंट के पहले वाला तो निश्चित है ना, वो तो बीघा है ही, अगर यहाँ दो आया होता तो दो बीघा, और बाकी आगे जो है वो बीघा है, लेकिन उसको हम बिस्से में बदलेंगे, तो पॉइंट के आगे जो है उसमें 20 का गुणा करेंगे तो आगे 18 बिस्सा, लेकिन अभी भी ये पॉइंट में कुछ है, तो अभी जो पॉइंट में कुछ है अभी उसमें भी फिर से हम गुणा करेंगे 20 का, तो ये आ जाएगा 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो इस तरह से आएगा 0.44। अब ये क्या बन जाएगा, धूर, क्योंकि एक बिस्से में 20 धूर होता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, बीघा तो है ही नहीं क्योंकि जीरो है, यहाँ पे क्या आया है 18 बिस्वा या बिस्सा, और पॉइंट 0.4, पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले अगर एक होता तो एक धूर हो जाता, लेकिन यहाँ पॉइंट के पहले जीरो है मतलब एक धूर भी नहीं है, पॉइंट के बाद अगर चार है तो भी वो आधा धूर से भी कम है, तो लगभग आधा धूर मान लीजिए, आधा धूर। देखो 20 धूर बराबर एक बिस्सा, 20 बिस्सा बराबर एक बीघा, तो बीघे को बिस्से बदलने के लिए 20 का गुणा किए, फिर बिस्से को धूर में बदलने के लिए फिर से 20 का गुणा किए, तो 18 बिस्सा और लगभग आधा धूर, 0.5 तक आधा माना जाता है, 5 के पहले है, 4, 3, 2 है तो आधा से कम है, 5 से आगे है, 6, 7, 8 है तो आधा से ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि एक दूसरा ज़िला है या एक दूसरा क्षेत्र है जहाँ पर एक बीघा जो है वो 1000 वर्ग मीटर का है। ये कहाँ से आ गया 1000 वर्ग मीटर, 2280 वर्ग मीटर, 2530 वर्ग मीटर? दरअसल ये अपने अपने हिसाब से बनाया गया है, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। हुआ क्या कि जब सरकार ने 10000 वर्ग मीटर को एक हेक्टेयर मान लिया, तो फिर हर जगह बीघे को बिस्से में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया हर जगह का, तो फिर वहाँ पे ये देखा गया कि एक हेक्टेयर में कितना बीघा आ रहा है। जैसे किसी ने कहा कि मेरा 20x20 का एक बीघा है, तो फिर उन लेखपाल ने या मीन ने उसको मीटर से नापा, फिर ये देखा कि कितना बाई कितना करने पर, यानी कि 100x100 होगा यानी एक हेक्टेयर होगा, तो फिर कितना बीघा हो गया, उसको कन्वर्ट करके फिर वहाँ पे निश्चित कर दिए कि 2280 का है, फिर यहाँ 2530 का है, या यहाँ 1000 का है, कहीं कहीं कच्चा बीघा चलता है, 830 वर्ग मीटर का भी चलता है, तो उसके हिसाब से वो हो गया। तो आपको क्या करना है कि आप अपने लेखपाल से या अमीन से सीधा सीधा एक लाइन पूछिए कि अपने यहाँ एक बीघा कितने वर्ग मीटर का है, जितना बता देंगे आपको उसी से भाग करना है। जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक खतौनी में लिखा गया है 2.6 हेक्टेयर, मान लीजिए ऐसे लिखा है 2.6 हेक्टेयर, और यहाँ पर जिस जिले की खतौनी है यहाँ पर एक बीघा 1000 वर्ग मीटर का है, तो सबसे पहले तो 2.6 का
10,000 में गुणा किए तो ये आ गया 26,000 वर्ग मीटर। तो एक चीज़ तो कॉमन है, कहीं का भी हो, चाहे बीघा छोटा हो या बड़ा हो, हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 का गुणा करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका काम आता है कि आप क्या करेंगे। 26,000 आ गया, अब 26,000 में 1,000 का भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 26 सीधा सीधा, और ये क्या बन जाएगा, बीघा। यानी ये ज़मीन कितना है, 26 बीघा है। अब यहाँ भी अगर पॉइंट के बाद कुछ आया होता तो उसको बिस्से में बदलते और फिर उसमें 20 का गुणा करते। जैसे इसी को देख लीजिए, मान लीजिए 2.6 के स्थान पे होता 2.8 हेक्टेयर, तब हम क्या करते, 10,000 का गुणा करते तो ये 28,000 आता कि नहीं, हाँ 28,000 आता। अब 28,000 में 1,000 का गुणा करते तो कितना आता, तब आता, अच्छा यहाँ भी 28,000 ही आ जाता, लेकिन मान लो यहाँ पे 5 होता ऐसे, तो ये कितना आता, 28,500 आता। फिर 1,000 में भाग करते तो 28.5 बीघा हो जाता, 28.5 बीघा होता। तो 28 बीघा तो क्लियर है, 5.05 इसमें 20 का गुणा कर दीजिए तो 20×5=100, दशमलव के बाद एक, ये क्या बन गया, बिस्सा। यानी ये हो गया 28 बीघा और 10 बिस्वा। इसके बाद भी यहाँ भी पॉइंट के बाद जीरो के अलावा कुछ और होता तो फिर उसमें 20 का गुणा करते तो वो क्या बन जाता, धूर। तो इस तरह से बिस्से बीघे को बिस्से में बदलने के लिए 20 का गुणा करेंगे, बिस्से को धूर में बदलने के लिए 20 का गुणा करेंगे, चाहे यहाँ के लोग हों, चाहे यहाँ के लोग हों, चाहे यहाँ के लोग हों, वो चाहे जहाँ के लोग हों, सब चीज़ कॉमन है। सिर्फ अंतर इतना है कि आप नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आप वही लिखेंगे जो आपके यहाँ की नाप है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। तो आज हमने आपको क्या बताया कि आपके खतौनी में जो ज़मीन हेक्टेयर में लिखी है, आप उसको कैसे बीघे या बिस्से में बदलेंगे। अब देखो, हेक्टेयर को जो है, अगर आप किसी और में बदल रहे हैं, जैसे आप बदल रहे हैं वर्ग मीटर में, तो आप भारत के किसी भी कोने में हों 10,000 का ही गुणा करेंगे। अगर वर्ग फुट में बदल रहे हैं तो भारत के किसी भी कोने में हों आप 1,07,639 का ही गुणा करेंगे। इसी तरह से अगर गज में बदल रहे हैं तो अभी इसका कुछ है, मतलब ये बदलने वाला नहीं है। आप कहीं भी हों, वर्ग मीटर, वर्ग फुट, गज, वर्ग जरीब, ये वही आएगा, इसमें बदलाव होगा ही नहीं। डिसमिल में बदल रहे हैं, इसमें भी बदलाव नहीं होगा। आप कहीं के भी हैं, आपकी डिसमिल जो है वही दूसरे की भी है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। एयर में बदल रहे हैं तो भी समान है, कोई बदलाव नहीं होगा। एकड़ में बदल रहे हैं तो भी कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव सिर्फ होगा बीघा और बिस्सा में, बीघा या बिस्सा, बिस्सा को ही कट्ठा बोलते हैं, कट्ठा या गुंठा, इसमें बदलाव होगा क्योंकि ये सब लोकल नापें होती हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपको अपने यहाँ के हिसाब से। ये तो पता होगा 40.46 जो भी है वर्ग मीटर, वो सब जगह का सेम है। 10 वर्ग मीटर, एक एयर, एकड़ में जाएंगे तो 4,046, इस तरह से। तो हर जगह का सेम है, कहीं कहीं के भी हों, बस इसी में बदलाव करना है। इसके लिए आपको अपने हिसाब से पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम बीघे बिस्से को नापेंगे कैसे, तो नापना हम आगे बताएंगे। नापना हम पाँचवा वीडियो तो है ही, छठवें वीडियो से नापना ही बताएंगे। आज हम आपको सिर्फ ये बता रहे थे कि हेक्टेयर से बीघे में कैसे बदलेंगे। यानी आपको खेत में नहीं जाना है, आपके पास खतौनी है, उस खतौनी को उठाइए, उसमें जो हेक्टेयर लिखा है 10,000 का गुणा करिए, फिर जो आए उसमें 2280, 2530 या 1,000 जो भी है उसका भाग दीजिए, सीधा पता कर पाएंगे आप कि कितना बीघा ज़मीन है। बस नापने जोगने की प्रक्रिया अगले वीडियो से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ध्यान रहे ये पूरा वीडियो आपको हमारे नया चैनल न्यू देहाती ज्ञान पर मिलेगा।